फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो से पहले हम लोग डिस्कस किए थे टाइप का फाइल फॉर्मेट क्या होता है और फाइल फॉर्मेट है क्या। तो हम लोग पहला टाइप देखेंगे इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेज। इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है वह स्टैंडर्डाइज होता है। क्या करते हैं इसमें हम लोग स्टोर करते हैं डिजिटल इमेज को, क्या करते हैं स्टोर करते हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट में क्या होता है, डिजिटल इमेज को हम लोग स्टोर करते हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर डेटा इन एन अनकम्प्रेस फॉर्मेट, ए कम्प्रेस लॉसी और लॉसलेस और ए वेक्टर फॉर्मेट। जो इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है इसमें हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो हम लोग करते हैं अनकम्प्रेस फॉर्मेट में, कंप्रेस फॉर्मेट में और वेक्टर फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है और कैसे डेटा को स्टोर करते हैं वो देख लिए। तो इमेज फाइल फॉर्मेट क्या करता है, स्टोर करता है डिजिटल इमेज के फॉर्म में स्टोर करता है इमेज को, ठीक है। इसमें हम लोग अनकम्प्रेस फॉर्मेट को करते हैं, कंप्रेस फॉर्मेट के और वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टी आई एफ एफ का क्या मतलब होता है। टी आई एफ एफ का फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट टी आई एफ, या कहीं कहीं भी हम लोग लिख भी सकते हैं डॉट टी आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी आई एफ एफ का फुल फॉर्म हुआ टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। मे और मे नॉट बी कंप्रेस यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके, ठीक है। फाइल साइज इज लार्ज देन जेपीईजी। जेपीईजी से जो फाइल का साइज होता है वह ज्यादा होता है टी आई एफ एफ का, ठीक है। एक्सट्रीमली फ्लेक्सीबल होता है, यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। टी आई एफ एफ का हम लोग यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं, यह एक्सट्रीमली फ्लेक्सीबल होता है। और जो फाइल साइज जो होता है टी आई एफ एफ का वह जेपीईजी से ज्यादा होता है, और उसको हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक लगा के उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग समझ गए कि टी आई एफ एफ होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जेपीईजी ज्वाइन पिक्चर या फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप जनरली यूज होता है, या फोटोग्राफी जब हम लोग पिक्चर भी बोल सकते हैं, ज्वाइन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। इट इज ए कंप्रेस फाइल फॉर्मेट, यह कंप्रेस फाइल फॉर्मेट होता है यूजिंग लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। टी आई एफ एफ में क्या होता था कि लॉसी कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके हम लोग फाइल को कंप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन जेपीईजी में क्या होता है कि हम लोग लॉसी कंप्रेशन टेक्निक लगा के हम लोग फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस कर सकते हैं। फाइल साइज इज स्मॉल कंपेयर टू जीआईएफ। जीआईएफ के कंपेयर में जेपीईजी का जो फाइल फॉर्मेट जो होता है वह क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कैन बी स्मॉल बाय इन साइज कंप्रेशन बट सर्टेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज। इसमें क्या होता है कि स्मॉल साइज होता है साइज बाय कंप्रेशन सर्टेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इमेजेस, ठीक है। सुटेबल फॉर फोटोग्राफ, जेपीईजी जो होता है वह सुटेबल होता है फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। सपोर्ट बाय ऑल ब्राउजर, जेपीईजी जो होता है फाइल फॉर्मेट यह सपोर्ट करता है ऑल ब्राउजर्स को। तो जेपीजी क्या हुआ, ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप्स। इसमें हम लोग फाइल को जो फाइल फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं लॉसी कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके। फाइल साइज होता है वह स्मॉल होता है कंपेयर टू जीआईएफ, ठीक है। सुटेबल होता है फॉर पैराग्राफ फोटोग्राफ के लिए और सपोर्ट करता है ऑल ब्राउजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ उसमें क्या होगा, 24 बिट
कलर का भी यूज करते हैं। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन होता है .gif। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जिसको हम शॉर्ट में GIF बोलते हैं, इसका एक्सटेंशन जो होता है वह होता है .gif, ठीक है। इट इज ए कंप्रेस फाइल फॉर्मेट यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। हम इसमें क्या करते हैं GIF में कि कंप्रेस कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट को लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके, ठीक है। लार्ज फाइल साइज होता है GIF जो होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, उसका जो फाइल साइज जो होता है वह क्या होता है, लार्ज होता है। सपोर्ट बाय ऑल ब्राउजर्स, ऑल ब्राउजर में सपोर्ट करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर टेक्स्ट आर्ट वर्क आइकन एंड एनिमेशन, यह सपोर्ट करता है टेक्स्ट में आर्ट वर्क में आइकन में एंड एनिमेशन में। सपोर्ट 8-bit कलर। GIF जो होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट वो क्या करता है, सपोर्ट करता है 8-bit कलर को, ठीक है। और जो JPEG जो था वो क्या करता था, 24-bit कलर को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो GIF क्या हुआ समझ गए, किसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसको हम एक्सटेंशन है .gif, इसको हम फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस कर सकते हैं लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके। इसका लार्ज फाइल साइज होता है, सपोर्ट करता है ऑल ब्राउजर में सपोर्ट करता है, और सुटेबल होता है टेक्स्ट के लिए आइकन्स के लिए एनिमेशन के लिए, और 8-bit कलर को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, PNG। PNG stands for Portable Network Graphics। PNG का फुल फॉर्म होता है Portable Network Graphics, इसका एक्सटेंशन होता है .png। यूज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स, अगर फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस करना हो तो इसमें हम लोग यूज करते हैं लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक को यूज करके हम लोग फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। क्रिएट स्मॉलर इमेज साइज देन GIF एंड JPEG। PNG का जो साइज होता है वह स्मॉलर होता है GIF एंड JPEG के तुलना में, ठीक है। नॉट सपोर्ट बाय ऑल ब्राउजर्स, PNG जो होता है वह सभी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट सुटेबल फॉर कार्टून एंड एनिमेशन, कार्टून और एनिमेशन में सुटेबल नहीं होता है। यूज्ड इन वेब इमेज, PNG जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका यूज हम लोग वेब इमेज में करते हैं, ठीक है। अलाउ फुल रेंज ऑफ कलर एंड बेटर कंप्रेशन, इसमें अलाउ करता है फुल रेंज ऑफ कलर्स का एंड बेटर कंप्रेशन, ठीक है। तो PNG क्या हुआ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका एक्सटेंशन होता है .png। इसमें हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक के यूज करके फाइल फॉर्मेट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। यह इसका साइज जो होता है वह स्मॉल होता है GIF एंड JPEG के तुलना में, इस सभी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है। वेब इमेज में इसका हम लोग यूज करते हैं PNG को, सुटेबल नहीं होता है कार्टून और एनिमेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्ट करता है 24 कलर्स को, ठीक है। रॉ इमेज फाइल क्या होता है, इट कंटेन्स डेटा फ्रॉम डिजिटल कैमरा, यह क्या करता है, डिजिटल कैमरा से ज्यादा डेटा को कंटेन करता है रॉ इमेज फाइल, ठीक है। कंटेन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा डेट इज अनकम्प्रेस्ड, कंटेन करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा डेट इज अनकम्प्रेस्ड। फाइल साइज इज एक्सट्रीमली लार्ज, रॉ इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है इसका फाइल साइज जो होता है वह एक्सट्रीमली क्या होता है, लार्ज होता है। इट शुड बी कन्वर्टेड टू TIFF फॉर बेटर एडिटिंग एंड कलर करेक्टिंग, यह इसका हम लोग क्या करते हैं, इट शुड बी कन्वर्टेड होता है TIFF में फॉर बेटर एडिटिंग एंड कलर करेक्टिंग के लिए। रॉ इमेज फाइल फॉर्मेट या डिजिटल कैमरा को क्या करता है, डेटा का कंटेन करता है, ठीक है। इसका साइज भी क्या होता है, फाइल साइज होता है बहुत बड़ा होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।